4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। शाम होते होते आज फैसला हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। सोशल मीडिया पर हर ओर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर चर्चा चल रही है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स बन रहे हैं। उनमें भी ज्यादातर लोगों की नजर हॉट सीट्स पर है। यूजर्स अपने अपने नेता के सपोर्ट में झंडा लहराते दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर एक्स पर हैशटैग वोट काउंटिंग, हैशटैग इलेक्शन रिजल्ट्स, हैशटैग 400 पार ट्रेंड कर रहे हैं। लोकसभा रिजल्ट 2024 को लेकर जो एग्जिट पोल हाल ही में जारी हुए हैं, उनमें भाजपा की अगुवाई में एनडीए को पूर्ण बहुमत का दावा किया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां 400 पार सीटों के साथ जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले अपनी जीत का राग अलाप रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह चीज तो आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। बहरहाल सोशल मीडिया पर 5 लोकसभा सीटों का बड़ा बज है। इन सीटों पर पूरे देश की नजरें टिकी है। कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को 10 लाख से अधिक वोट मिलने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं भोजपुरी सिनेस्टार मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच टक्कर की चर्चा है। लोकसभा चुनाव परिणामों की सरगर्मी के बीच हम उन 5 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं जिनका सोशल मीडिया पर बड़ा बज बना हुआ है। इन सीटों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इन लोकसभा सीटों में वाराणसी, हैदराबाद, कन्नौज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और रायबरेली लोकसभा सीट शामिल है। वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अजय राय मुकाबला है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी और माधवी लता के बीच टक्कर है। कन्नौज के लिए अखिलेश यादव और सुभद्र पाठक उम्मीदवार हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला दिलचस्पी बढ़ा रहा है। वहीं रायबरेली संसदीय सीट से राहुल गांधी के भाग्य का फैसला होना है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।